रुख फिलहाल करेंगे। लोकेश शोला हमारे सहयोगी साथ जुड़ चुके हैं। देखिए लोकेश, दोपहर से पहले यह आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन अब 678 एकदम से यह आंकड़ा बढ़ चुका है। मैं जानना चाहूंगी क्या प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। और एक और चीज जो कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ है, खबरें ये भी सामने आ रही है कि जिस प्रकार से जो सिम्टम्स है वो बहुत अलग अलग देखे जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत नॉर्मल है लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो क्या ये पूरा मसला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कोरोना का जो दायरा बढ़ता जा रहा है और अब प्रदेश में 678 कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो सामने आ चुके हैं। बात करें जयपुर के, जयपुर में सबसे अधिक जो संख्या में कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आए हैं। 286 कोरोना का जो आंकड़ा है जयपुर में वो पहुंच चुका है। आज नए 65 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालांकि जिस तरह से सैंपलिंग व्यवस्था, यानी कि जो रेंडम सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसी में जो पॉजिटिव मरीज है ये अधिक से अधिक सामने आ रहे हैं, जो एक ये भी कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जिस तरह से चिकित्सा विभाग ने एक सतर्कता दिखाते हुए जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वहां पर सैंपलिंग व्यवस्था डोर टू डोर जाके सैंपल कलेक्शन किया गया है और उसी में ये कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा रहा है कि जो जो कोरोना संक्रमित है उनको हाथों हाथ उसी समय जैसे ही वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, जो एक अच्छी बात है कि उन जो कम्युनिटी में जिस तरह से इनकी फैलता है उसको रोका जा सकता है। इस तरीके से जिस तरह से जो कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है वो सामने आ रहे हैं उसी से। वही दूसरी ओर आपने पूछा कि जिस तरह से अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, बिना किसी सिम्टम्स वाले भी पॉजिटिव आ रहे हैं। देखिए दरअसल क्या है कि कई बार कोरोना के सिम्टम्स आने में समय लग सकता है, हालांकि पॉजिटिव होने के बाद भी सिम्टम्स नहीं आते। 14 दिन तक का ये कोरोना का जो टाइम पीरियड होता है उस दौरान बिना सिम्टम्स के भी वो पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन जिस तरह से रैंडम सैंपल की जो व्यवस्था अधिक की गई है, जो सिम्टम्स आने से पहले अगर जहाँ सैंपल लिया जा रहा है और उसी में उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है और वो आ भी रही है, क्या है कि उसी में ये पता लगाया जा सकता है कि उसमें कोरोना संक्रमित है या नहीं है। जो सिम्टम्स आने में 14 दिन का समय लग सकता है, लेकिन पहले भी वो 14 दिन के दौरान वो पॉजिटिव रहता है और उसी का यह परिणाम सामने आ रहा है कि बिना जो सिम्टम्स वाले भी पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। इसको लेकर चिकित्सा विभाग ने जिस तरह से गहन जो स्क्रीनिंग शुरू की है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी लोगों के एक बार जो रैंडम सैंपल की जांच की व्यवस्था है वो हो, और उसी के तौर पर जयपुर के रामगंज या चारदीवारी क्षेत्र या फिर बात करें जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वहां पर जो रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था डोर टू डोर की गई है और उसी में ये पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जिनके अधिकतर जो बात करें तो सिम्टम्स भी सामने नहीं आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल लोकेश, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें जिस प्रकार से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तमाम कोशिशें चिकित्सा विभाग के द्वारा भी की जा रही हैं और साथ ही जो राज्य सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है, जनहित में हर जरूरी फैसला लिया जा रहा है, गरीब और जरूरतमंदों को हर सहायता भी मुहैया करवाई यहां पर जा रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, आप देखते रहिए A1 न्यूज़।